तो वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखंड के अफजलपुर धोबगट्टी पंचायत हमने घूमा, पूरी पंचायत का हमने भ्रमण किया और अंत में जो मुखिया प्रतिनिधि है उनके पास हम आए हुए हैं। चूँकि मुखिया जी स्वयं नहीं मौजूद है, और आप क्या लगते हैं सर मुखिया जी के? उनका दामाद हुए हम, उनके दामाद है सर, आप ही उनका काम देखते हैं? जी हम ही देखते हैं। तो जिस प्रकार से, क्या नाम आपका है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जिस प्रकार से अभी हम लोग पंचायत भ्रमण किया कुछ क्षेत्रों में, जिस प्रकार से लोगों की आरोप है कि मुखिया जी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ जो विरोधी तत्व का लोग हैं, काम तो हुआ ही है। इंदिरा आवास देख लीजिए, मनरेगा देख लीजिए, या 14वीं वित्त हो, पंचम हो, उससे जो भी रोड है मेरे पंचायत में लगभग PCC और फेवर वॉलक लगभग खत्म है। तो प्रमोद जी, फिर किस बात को हम झूठ माने जो हमने अपने कैमरा में कैद करके लाए हैं, जो दर्शक इस वक्त अभी देखे हैं, और जो आपकी पंचायत की जनता जो बोली है? क्योंकि हम तो आपके विरोधी नहीं ढूंढे हैं, हम तो आपके पंचायत में जनता ढूंढे हैं, और हमारे लिए तो जनता है, आपके लिए विरोधी हो सकते हैं, ये हमारे लिए तो जनता है, और जनता ने जो कहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास जो फुटेज है वो झूठा है, या फिर जो आपके गाँव के जनता है वो झूठे हैं? देखिए, काम तो हम पूरा प्रयास किए 5 साल में कि अच्छा से अच्छा हो, बेहतर हो, हमारा पंचायत माने सबसे बेहतर हो, लेकिन अगर उसमें कहीं कुछ कमी हो तो हम चाहेंगे कि इस बार दोबारा सत्ता में आने के बाद उसको हम सही ढंग से पूर्ण रूप से मन उसको पूरा करें जो कहीं पर। अच्छा, बहुत सारे जनता का ऐसा आरोप है कि मुखिया जी, चूँकि जनता डायरेक्ट बोलती है और जनता सर्वोपरि होती है, जनता नहीं डरती है, और जनता का आरोप है कि मुखिया जी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, मुखिया जी तो कभी पंचायत में आते ही नहीं, कभी उनके पति या उनके दामाद आते हैं, तो क्या ये बात सही है कि मुखिया जी जो है वो कभी पंचायत में नहीं जाते? जैसे कि यहाँ जो आरोप है, तो यहाँ महिला सीट है, या महिला है तो महिला तो डेली घूम नहीं सकती है, जाती है, मुखिया जी भी जाते हैं पंचायत में, ऐसा बात नहीं है, और हम और हमारे ससुर जी जो मुखिया पति हुए, हम लोग डेली क्षेत्र भ्रमण माने सुबह शाम पढ़ लिया, आप ही लोग काम देखते हैं। जी जी, तो और इंदिरा आवास की बात करें या तमाम योजना की बात करें, तो कोई भी जनता, मतलब पूरे इस खबर में जहां तक हमने क्षेत्र घूमा है, उसमें एक भी जनता ने यह नहीं कहा मत कि मुखिया जी का कोई भी एक काम हुआ है, और सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया गया है मुखिया जी पर कि घुसखोरी होती है, इंदिरा आवास में भी पैसा लिया जाता है, शौचालय योजना में भी ली जाती है, और बाकी स्ट्रीट लाइट भी कई क्षेत्रों में नहीं है, सड़क की स्थिति बहुत बदतर है, इन तमाम मुद्दों पर क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रीट लाइट तो पंचायती राज में, पंचायत में जो है योजना है ही नहीं जी। उसके बाद इंदिरा आवास हो या पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, इसमें घुसखेरी का बात है, तो ये अब जाँच का विषय है, ये जाँच करने का विषय है कि हम लोग कहीं किसी से 1 रुपया लिए हैं या नहीं लिए हैं, जांच करने पर पता चल जाएगा। जहां तक रोड के सवाल है, तो हमारे पंचायत में लगभग रोड जो है हमने ढाल दिया, मुख्यमंत्री गली नली से, 14वीं वित्त से, पंचम से, और नली गली से भी सड़क ढाला है। जी जी, उससे नली गली से भी नाला और सड़क निर्माण हुआ। आपके क्षेत्र में कुछ कैटल शेड का भी विवाद चल रहा है, इस पर कुछ बताएंगे? कैटल शेड जो 4-5 का ऐसा सेट बन रहा जो अभी पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण होने के बाद ही उसका मनरेगा का जो नियम है, जो माने आप कार्य पूर्ण कीजिएगा उसके बाद पेमेंट होगा, तो लोग यहाँ सोचते हैं कि हम पूर्ण नहीं करें और पेमेंट हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, उसको पूर्ण होगा उसके बाद पेमेंट होगा, उसमें कोई भी बात नहीं है। मतलब जिनका काम नहीं पूरा हुआ है उनका झुका हुआ है, उसमें लेबर का पेमेंट आ चुका है। अच्छा, एक बात बताइए प्रमोद जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना राजधानी में बैठकर के दावा कर रहे हैं कि बिहार के कुल पंचायत में नल का जल योजना पहुंच रही है, और 7 नीचे योजना 2 आने वाली है, लेकिन इस क्षेत्र में जहां तक हमने घूमा, 7 नीचे योजना भी अभी सही तरीके, 7 नीचे योजना में 7 योजनाएँ हैं, और पहली योजना है नल जल योजना, और अभी कई क्षेत्र में पहली योजना भी जब शुरू नहीं हुई है, नल का जल तक नहीं मिल रहा है, तो फिर अभी 7 नीचे योजना 2 जब आएगी तो क्या वाकई में धरातल पे सफल होगी? देखिए, अभी तक तो हमारे यहाँ जो है नल का जल जो है कि हर घर को हम लोग पानी पहुँचा रहा है, और कहीं हमने जो खबर किया है वो फिर गलत होगी, के बाद अगर कहीं थोड़ा बचा हुआ है तो प्रयास करेंगे 2-4 दिन में कि वो बचा हुआ है ना सर, क्योंकि हम तो नल उखाड़ करके तब तो फोटो नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, और 1-2 हो तो कोई बात हो, पूरी क्षेत्र की बात है तो इसलिए अपना कार्य नहीं सकते हैं जी। मतलब पंचायत में भी कमियां है जिसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे 2-4 दिन में उसको सुधारने का, अगर देखेंगे हम अपने घूम कर देखेंगे, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको 2-4 दिन में हम सुधारने का प्रयास। अच्छा, अभी फिर से चुनाव आ गए हैं, समाचार संहिता भी लग गए हैं, तो क्या फिर से दावेदारी मुखिया की है? जी है। अपने जो पंचायत की जनता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पंचायत के जनता है, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे दोबारा सत्ता में आने के बाद कि मेरे पंचायत की कोई भी जनता को परेशानी ना हो, जो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या
सब के लिए जाति हो, आवासीय प्रमाण पत्र, इस सब के लिए ब्लॉक जाने की जरूरत न हो, पंचायत में भी व्यवस्था करवाया जाए। उसके बाद इंदिरा आवास हर गरीब व्यक्ति को जो माने घर से वंचित है उनको इंदिरा आवास दिया जाए। हर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटे जो जो पेंशन के लायक हो उनको पेंशन न मिले। कहीं भी रोड तो मतलब 5 साल में ये तमाम काम कई क्षेत्रों में आपने नहीं किया, लेकिन अब की आने से आप ये करेंगे? जी नहीं, हमने किया, लेकिन अगर कहीं छूटा हुआ है उसको आप पूरा करेंगे? हमने किया 5 साल में, लेकिन अगर गलती से कहीं छूटा हुआ है तो उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे अफजलपुर धोबगट्टी पंचायत, जिस पंचायत में आपको पूरा पंचायत हमने घुमा दिया कि वहाँ की जनता, एक भी ऐसी जनता हम नहीं हमें मिला जो मुखिया जी के पक्ष में बोल सके या फिर कोई यह कह सके कि सरकार की कोई योजना उन तक पहुँची है। हालांकि तमाम बातों पे मुखिया जी की जो प्रतिनिधि है यानी कि मुखिया जी के दामाद है, मुखिया जी का काम देखते हैं, इनसे हमने बात किया है, अपने पक्ष को इन्होंने रखा है और यह भी भरोसा दिलाया है कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो जो भी कमियाँ हैं उसको सुधार करेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।